रहमत खुदा के बन कर है हछाया بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدوده Yeah! mm وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم الله كي نام سے جو برا مهربان نهاية رحم کرنے والا ہے आए वालों। तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम चंद दिन जिनमें रोजे रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। जो लोग इसकी ताकत रखते हों वो एक मिस्किन को खाना खिलाकर रोजे का फिरिया अदा करें इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे ये इसके हक में बेहतर है और अगर तुम समझो तो रोजे रखने में ही ज्यादा बेहतरी है सच अल्लाह ने सलामती है सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है असला वरह वह मरहबा अहलन वसाहन मरहबा आमद रमज़ान है और ये इरफान रमज़ान है इसमें मैं आपको ख़ुश आमदीद कहूँगा दुरूद ला महदूद महबूब राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल पाक आपके सार सारसार और अब आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की यह सहरी ये रमज़ान नशरियात हैं मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्मानी तहदिल से आपको कहता हूँ खुश आमदैद सकूत हर्फ को इसने बयान देता है वो दशत फिक्र में अब भी अजान देता है मैं हरफ सौत की खैरात उससे मांगता हूँ जो पत्थरों को भी रिसके बयान देता है मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूँ कि जिसकी हर अदा पे जबरइल जान देता है आज के इस प्रोग्राम में जो तिलावत आप समाज फरमा रहे थे वो मशहूर और मारी मशहूर और मारूफ कारी अब्दुलमालिकी की थी ये तर्जमा रमजान करीम के हवाले से हुआ और आज का ये प्रोग्राम बनवान इस्तबाल रमज़ान पेश खिदमत है मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमद कहना चाहता हूँ मौजू ज इस्तबाल रमज़ान है लिहाजा मेहमानों का इस्कबाल करते हुए इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए मौजूद हैं हमारे दरमियान आप अलसर फाउंडेशन के सरबरा हैं मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर बर्मला बर्चस्ता इजहार अकीदत फरमा रहे होते हैं जिसमें हमारी रहनमाई शामिल होती है वुशा आमदद कहता हूँ मुफ्ती फ़जलान असल वर आज के हमारे दूसरे मेहमान आप किसी तारफ के महताश नहीं हमेशा हर शब हर सुबह जब भी दीन की बात होती है अहादीस के ऊपर रोशनी डालने की बात होती है इस आलम का जिक्र होता है कि जो इल्म और अफकार की दुनिया में एक चमकता हुआ सूरज है जो तबलीग भी करते हैं और दावत दीन भी देते हैं खुश लहनी के साथ खुश आंद कहना चाहता हूँ शाह हुसैन करदेजी को सलामकुम आज के हमारे तीसरे मेहमान को खुश करना चाहता हूँ आपका तारफ यह है कि आपने हमेशा अलफलामीन को जीनत बख्शी है अपनी मौजूदगी से हमारी रहनुमाई फरमाई है और आपने अहिल बैत कराम साहब कराम से मोहब्बत का हमेशा इजहार फरमाया है मैं खुश आहमद कहता हूँ अब्बास वजी को रही वर आज के इस प्रोग्राम में खूबसूरत आवाज़ से गुला अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे दरियान मौजूद होंगे मशहूर मारू शनाखा जनाब असद यूब साहब सलाम हज़रत अब्दुल्ला अपने मसूद रजी से रिवायत है आपसे पूछा गया कि आप कैसे इस्तबाल फरमाते थे रमजानल करीम का आपने क्या खूबसूरत जुमला कहा आपने फरमाया कि कोई भी एक सहाबी ऐसा नहीं होता था कि जब चांद को देखता था और उसके दिल में किसी मुसलमान के लिए बोगज होता था राई के दाने के बराबर भी इसी अंदाज से आज इस्तबाल रमजान किया जाएगा मैं सबसे पहले मुफ्ती शाह हुसैन गर्दिशी से सवाल पूछना चाहता हूँ आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज़ से रमज़ान करीम का इस्तक़बाल फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल व वमा रमज़ान की तैयारी शाबान में ही शुरू फरमा देते थे और कसरत से आप रोज़े रखते थे ताकि लोगों का मैलान रोज़े की तरफ हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसमा का हर अमल दलील रहा होता है तो इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसम की तरफ़ देखते रहते थे आप कौन सा अमल करते हैं और किस तरह करते हैं सही तो जब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसमा को देखते कि आप रोज़े रख रहे हैं तो वो भी रोज़े रखना शुरू कर देते क्योंकि पैरवी और इतवा हज़ुर अक्रम सल्ला वबारक वमह की हर सूरत में होती है बेशक तो जब शाबान में आप रोज़े रखते थे तो उनको भी तोज्जो होती थी फिर एक सलमान फारसी रज़ी अल्लान की एक रवायत है कि हज़ू अक्रम सल्ल वबारक व्लम ने रमज़ान से पहले शाबानी के आखिरी दिनों में खुतबा दिया कि यह रमज़ान आ रहा है और आपने इसका मरतबा बयान किया और उस चीज़ को भी बयान किया कि जिसका ताल्लुक़ बंदों से है क्योंकि ये इंसान जो है ये अपने फ़ायदे की तरफ मायल होता है और इसको हर दौर में अपना फ़ायदा अजीज़ रहता है, ऐसे है। एक फ़ायदा वो होता है कि जो दुनिया के कारोबार के हिसाब से होता है एक फ़ायदा दूसरा होता है वो फ़ायदा वो होता है जो नज़र नहीं आता उसके लिए कोई हिस्सी वजूद नहीं होता लेकिन उसका एक इस बात मौजूद होता है कि इससे आपके कितने दर्जात बढ़ेंगे आपका कितना मकाम ऊंचा जाएगा तो ये दर्जात और मकाम जो हैं ये हिस्सी तौर पे नहीं होते कि आदमी उनको हाथ लगा के महसूस करे कि ये है तो ये एक गैबी चीज़ होती है रूहानी चीज़ होती है मकफ़ी चीज़ होती है तो अल्लाह रबुल्ज़त जो अता फरमाता है तो हजूर अक्रम सला वबारक वसमा ने उसको बयान फरमाया कि एक आदमी है वो एक रात में या एक दिन में एक काम करना चाहता है तो पता चला उसको कि मैं अगर ये काम इस तरीके से कर लूँ तो ये हज़ार दिनों या हज़ार रातों के बराबर जो है ना ये इतना काम मेरा हो जाए जी तो जहर है उसके लिए इसमें कशिश मौजूद है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वा वसल्लम ने खैर उम्मिन अल्फ शहर कहकर कि उसकी कशिश को बयान किया कि इसकी रात ये है और इसका दिन ये है सुभान अल्लाह दिन का रोजा है और रात की इबादत है तो वो रात की इबादत जो है उसका दर्जा ये है और ये जो दिन का रोजा है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि तुम दो काम करते हो एक फर्ज पढ़ते हो कि नफल पढ़ते हो तो आपने फरमाया कि ये जो नफल पढ़ोगे तो इसका दर्जा आपको फर्ज जिताओ लाहबर रमजानी जी हाँ और अगर कोई फर्ज काम आप जो आपके ऊपर फर्ज है वो करोगे तो उसका सवाब आपको सत्तर दर्जे ज्यादा होगा तो हजूर अक्रम सल्ला वबारक वसलम रमजान से पहले ये बातें अरसाद फरमा रहे हैं मैं थोड़ा अख्तसार से भी काम ले रहा हूँ फिर हजूर अक्रम सल्ह वबारक का बयान है इसी अजीज में आपने फरमाया कि ये सबर का महीना है तो इसमें तो हमें सब्र करना होगा सब्र किस चीज़ से करना है आपने सब्र खाने पीने और ख्वाहिशात के जो लवाज़े में उनसे परहेज़ करने का हुक्म सही तो अब इन तीन चीज़ों से एक मखसूस वक्त है जी गुरूब तलु आफ्ताब से नहीं बल्कि तलु शोबाद से शुरू होता है हाँ। और गुरूब आफ्ताब पर हाँ। ख़त्म हो जाता है इस दौरान आपने ये 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 काम नहीं करना जैसे वो हज में आता है ना वला फसा का वला फसू का वला फिल हज फिल हज तो हज में झगड़ा नहीं करना तो रमज़ान में भी झगड़ा नहीं करना झगड़ा नहीं करीम में ये ये, देखा जाता है यान कि हादसा से पहले एक हादसा ये होता है झगड़े होते हैं गुस्सा करते हैं गैजो गजब करते हैं मख्तर से वफे की तरफ हम जा रहे हैं इस वादे इरादे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे और यही इन शाह रमजान नशरियात का खासा भी रहेगा कि झगड़ा करवाएंगे भी नहीं लौट कर आएंगे आपके इंतजार इरफान रमज़ान में खुश आमदीद ये साहरी है और ये यकम रमजान की सहरी है इसमें बरकते हैं फजीलतें हैं आगाज और इब्तदा का ज़िक्र हो रहा है हम इस्ताल रमज़ान के मौजू पर बात कर रहे हैं और क़राम नसीहत फ़रमा रहे हैं वो रुदात सुना रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा मुस्कबिल और हार बेहतर हो सकता है मैं जनाब हज़रत फज़ैल अपने अयाज़ रजों के हवाले से गुफगू करना चाहता हूँ आपसे पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि तुम में से पहले के जो लोग थे उनके बुलंद मकाम इसलिए थे ना कि इसलिए कि वो नमाज़ और रोज़ा में बहुत आगे थे बल्कि उनके दिलों में किसी के लिए बख्ज़ नहीं था और हाँ वो जन्नत को बहुत कीमती शह जानते थे मुराद ये हुआ कि जन्नत को अपना हदफ बनाते थे और जाती मामलात या छोटे मामलात के ऊपर एक दूसरे से तंगी पैदा नहीं करते थे इख्तलाफ में इतनी शिद्दत पैदा नहीं करते थे कि उलझने बढ़ जाएँ और फिर रब ही नाराज़ हो जाए ये कैफियत है और इसी कैफियत को अपनाना आज के रमज़ान और करीम का मकसद भी होना चाहिए और हमारे लिए एक हदफ़ भी होना चाहिए मैं मुफ्ती फ़जल सुबहान साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमायानि इसकबाल रमज़ान में ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है बल्कि लाजम है मगर एक चीज़ है कि जब किसी चीज़ की अज़मत ज़्यादा होती है उसकी तज़ीम भी ज़्यादा होती है रमज़ान क़रीम में नो डाउट अजमत और करामत का मामला है अलबतः रोज़ाना बाहर खाना शॉपिंग पे निकल जाना खेल कूद करना इससे रमज़ान क़रीम की तज़ीम में फ़र्क नहीं आता ख़ास तौर से रेस्टोरेंट्स में जो इस वक्त बाहर आ जाती है रमज़ान मुबारक का इस्तबाल हम तब कर पाएंगे जब उसकी अहमियत और उसकी कदर मंजिलत हमारे सामने होगी जिस मेहमान का पूरा तारफ और प्रोफाइल सामने हो तो उसकी खातिर मदारत भी उस अंदाज से की जाती है अल्लाह। रमज़ान का माना ही जला देना जी। ये महीना ऐसे गुजरे कि हमारे गुनाहों को जला दे और हमारी ईमानी कैफियत को जेला भाष दे सुबह रमजानबारक दर हकीकत पाबंदियाँ सिखाता है कि जब आप एक ख़ास ड्यूरेशन में हलाल चीज़ों से भी रुक जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी हराम से बचना कितना आसान हो जाता है सही। मुबारक के अंदर इम्तिसाले अवा यानी नेकिया करना दिन को रोज़ा रखना रात को तरावी की इबादत करना तहज्जुद पढ़ना सेहरी की बरकत से लुफानंदोज होना इफ्तार के फजाइल का सामने होना सदका खैरा का होना वो एक अलग मैटर है लेकिन इमितसाला अवामिर से ज्यादा है। यानी दफ़े मुज़र्रत अवलाजह है कि हम तिलावत शुरू करने से पहले तऊज अवजिल्ला रज़ीम पढ़ते हैं शैतान से पना मांगते हैं और तस्मिया जो अल्लाह के नाम से बरकत ली जा रही है वह बाद में है बरायत पहले. यानी एक जगह पर सोना पड़ा हुआ है गोल्ड और करीबी शाम पे तो हम सोने को लेने से पहले उस शाम से बचने की और उसके शर से बचने की फिक्र करेंगे तो रमजानुल मुबारक में नेकियां हो ये सोने पर सुहागा है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी हम गुना से बच जाए जैसे अल्लामा साहब ने इशारा किया रसूलुल्लाह सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुदबे में इरशाद फरमाया कि ये शहरु सबरी ये सबर का महीना है मुवासाती और हमदर्दी का महीना है इसमें हम अपनी नाजायज ख्वाहिशात को सबर का ब्रेक लगाए अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक का अहतमाम गोया के रजब का चांद देखकर फरमाया था जी वैसे तो हर महीने का चाँद देख कर अल्लायम ईमान इस्लाम ये दुआएँ इस तरह की मनकूल है लेकिन रजब का चांद देख कर आपने फ़रमाया लना फी रजब व शाबान व बल्ल नमजान गोया के दो महीने पहले से प्रीप्रियशन शुरू हो गई है और एक दुआ जो रसूल सल्ह वसलम से साबित है मज़ान वसलिम रमजान ली अल्लाह मेरे लिए रमज़ान को सही सालिम रख और मुझे रमजान के लिए सही, सही सालिम, सालिम रख हमारा रोज़ा खराब ना हो जाए हमारी हिबत से हमारी बदनजरी से सही. और हमारे गलत हराकत से हुँ. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ. ने यूं भी फरमाया अं को को अल्लाह को को कोई हाजत नहीं की ये खाना पीना छोड़ दे एक हदीस में आपने यू भी फरमाया बहुत से रोजादार उनको उनका रोजा सिवाए भूख प्यास कुछ, के, नहीं कुछ नहीं देता तो अगर इस रमजान में हम सब्र कर ले और सबर का मतलब कि इफ्तारी के मौके पर नमक या मिर्च मिसाला कम ज्यादा होने पर हम ऑल फोल बकना शुरू कर देते हैं और गाड़ी के साथ किसी का मामूली सा स्क्रेच या टच हो गए उस पर हम झगड़ा शुरू कर देते हैं फ्रूट वाले के साथ झगड़ा तो हमने तो अपना रोजा बेच दिया जो रोजा जिसकी अजर हमने अल्लाह से लेना था वो तो हमने जया कर दिया इसीलिए मुबारक में सबर भी हो और हमारे दिल में हसत की ना और बोझ ना हो जिस तरह मस्जिद में इंटर होने से पहले जिसम से और कपड़ों से आलाइशों का दूर करना जरूरी है।, जमान है इस मुबारकों से पहले दिल को पाक करना पड़ेगा और गुनाह जला दिए जाएंगे रमजानुल करीम इसी बात का तो आया महीना है खासतौर से आपकी नीकियों को महफूज करना पड़ेगा बद आमालियों से बचना पड़ेगा यहाँ पर गुफ्तगु में मजीद इजाफा होगा आ, मैं समझता हूं कि ये सवाल पूछने वाला है हैजीर साहब से मुराद क्या है क्यों फरमाया हदीस मुबारक में कि ये यह महीनागी का महीना है इसमें इसार है इससे क्या मुराद मिलती है सबसे पहले हमें और तमाम मुसलमानों को माह मुबारक रमजान के तकाजों के मुताबिक जीने और अमल करने की तोहफी हर हकीकत कुछ चीज़ों की नस्बत खुदा की तरफ है ना आप गौर करें कुरान मजीद की नस्बत खुदा की तरफ है बेतुल्ल की नस्बत खुदा की तरफ है कुछ दिनों की नस्बत भी खुदा की तरफ है और एक महीना भी ऐसा है कि जिसकी नस्बत खुदा की तरफ है किताबुल्लह बैतुल्ला अयाम्ला शहरुल्लाह शहरुल्लाह तो ये जो अल्लाह की तरफ नस्बत है उसकी वजह क्या है क्यों हालांकि अल्लाह तमाम घरों का मालिक है तमाम मकान का मालिक है और तमाम अवकात उसके हैं ऐसा तो नहीं है कि माह रमज़ान अल्लाह का हो बाकी महीने किसी और के हों तब अल्लाह के हैं उसी तरह सारे दिन अल्लाह के हैं फिर ये क्यों कहा जा रहा है तख्ीस क्यों है तख्ीस की वजह यह है कि ये कि जिनकी नस्बत खुदा की तरफ है वो हैं कि अगर इंसान यहाँ तक पहुँचे तो खुदा तक पहुँचता है वाह सुबह राजी है कुरान तक पहुँचे तो खुदा तक पहुँचता है उन अयामल्ह तक पहुँचे कि जिनका जिक्र कुरान में है और उसकी तफसर की ज़रूरत है फ़िलहाल उस तरफ नहीं जाता हूँ तो खुदा तक पहुँचता है इसी तरह से माह मुबारक रमज़ान भी खुदा तक पहुँचाने का जरिया है खुदा तक पहुँचाने के लिए खूब गौर करें कभी कभी हम समझते हैं कि वो बातें कि जो खुदा ने हमारे लिए इबादत की शक्ल में फ़र्ज की हैं हुँ. उनको बजा लाएंगे हुँ. तो खुदा तक पहुंचेंगे हुँ. ठीक है वो तो है सही. वो जरूरी है लेकिन खुदा तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं में मुंहसर नहीं है बल्कि खुदा तक पहुंचने के लिए कभी कभी मखलूक खुदा पर रम सुन और उनके हकूक़ की रत इंसान को खुदा तक पहुंचाने का जरिया है जो आपने कहा कि ये तरह का महीना है और इंसानों के ऊपर तो उस, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी ज़रा अगर खोलें तो ज़रा पेचीदा बात है और पेचीदा बात यह है कि इंसान क्यों नफ्स परस्त और मफाद परस्त होता है क्यों क्यों उसकी वजह यह है कि इंसान को हकीकत नज़र नहीं आती है अपने गुनाहों कसरत गुनाहों के नतीजे में या गफलत के नतीजे में हकीकत नज़र नहीं आती जब इंसान को हकीकत नज़र नहीं आती है तो उसके नफ्स अमारा उसको ट्रैक से हटाकर उस रास्ते पे लगा देता है कि जिसके नतीजे में ये इंसान यानी वो बातें कि जो उसके लिए मुफीद नहीं है उनको मुफीद तस्वर करता है मुफीद दिखाता है। मुफीद दिखाता दिखाता है है हाँ, वो हजरत यूसुफ के भाइयों के उस मामले में भी कुरान ने बता दिया है कि उनके नफ्स ने उनको सब वत लहुम तस्वीर इसी को कहते हैं कि कोई गैर वाकई चीज़ को वाकई बना के सामने लाया जाए नुकसान को फ़ायदा दिखाए फ़ायदे को नुकसान दिखाए ये तस्वीर है सही तो ये हालत जो है ना नफस अमारा का है और माह है मुबारक के रमजान में इंसान मुकाबला करता है उस नफ्स अमारा के साथ और उस मुकाबले के नतीजे में खुदा तोफ़ी दे हम सब को कि उस मुकाबले के नतीजे में नफ्स <coughs> अम्मा को शिकस्त देता है और जब शिकस्त देता है तो इसके सामने हक़ का अफुक रोशन हो जाता है रोशन हो जाता है। जब हक़ का उफ रोशन हो तो ये खुदा तक पहुँचना इसके लिए मुश्किल नहीं रहता फिर बंदगा तो खुदा अपने तो मफाद से कहीं ज्यादा बंदगा खुदा के मफाद उसके नज़र में अहमियत पैदा कर देते हैं हदीस पैगम्बर में है मकारी में अखलाक के हवाले से कि सुलता जिसने तुमसे कत ताल्लुक़ किया उससे जुड़

बोशादेद तो इरफान रमज़ान में आपका इस्ताल करता हूँ आप और मैं मिलकर रमज़ान करीम का इस्तबाल कर रहे हैं आज खुशकस्मती से अल्लाह ने हमें मोहलत दी है एक और रमज़ान हमें नसीब हुआ है यकीन आज आप घर में सहरी का अहतमाम कर रहे होंगे दस्तरखान के करीब होंगे या फिर उसको तैयार कर रहे होंगे ख़ुद को रोज़े के लिए आमादा कर रहे होंगे नस्बत तौर से आम तौर यानी मामूल के हिसाब से आपने शाबान में भी इन शोज़े रखे होंगे अगर आपसे रोज़ा छूट गया है तो आज रमज़ान करीम का ये पहला वाजिब फ़र्ज रोज़ा होगा इस रोजे की कैफियत को समझने की कोशिश आप करेंगे आगाज़ अगर आप आपा की इस सोबत में बैठ कर इस नशिश में इस बजम में बैठ के कर रहे हैं मुझे यकीन है कि ताफ़ार आपका ये रोज़ा सेहतमंद रहेगा और साथ में आपकी ज़ुबान से आपकी सोच से आपके हाथ से दूसरा मोमिन मुसलमान भी महफूज़ रहेगा ये मैं ख़्वाहिश भी कर रहा हूँ इरादा भी कर रहा हूँ और अपने आप को नसीहत कर रहा हूँ मैं 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 मैज़ानंद सवालों जवाब का सिलसिला लिए बैठा हूँ इस्कबाल रमज़ान के हवाले से ख़ास से इस मुबारक और अजमत वाले महीने की फजीलत और अजमत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसका इस्तबाल कैसे किए जाना चाहिए ये सोच रहा हूँ और मैं मुफ्ती शाहिन गर्दशदी से सवाल पूछना चाहता हूँ अलाम साहब बहुत सारे महीने यानी चार महीने तो ऐसे अहादीस मुबारक ने बताया कि ये हरमत वाले महीने हैं ज है, है मुहर्रम है, है।, है इस बात से रमजान की फजीलत कम हो जाती है या फिर इसके और माने पुराने हमीद ने यह बात इर्शाद फरमाई है बारह महीने हैं आपके तो इन बारह महीनों से बारह महीनों में से चार महीने और मतवाले हैं जी तो उनके वो जो चार महीने हैं उनमें से कुछ हज से मुतिक हैं और रजब में अरब उमरा करते थे अच्छा। उस जमाने में भी करते थे और आज भी आप जाए तो मकामी लोगों का रश जो है रजब के महीने में बिल्कुल सही फरमा मदीना मुनवरा में भी वो उम्र करके फिर मदीना मुनवरा भी जाते हैं जी जी। जैसे उनका उनका तरीक़ार ये है कि हज के लिए वो जाते हैं तो ईद अजी उनकी हज में गुजरती है लेकिन ईदल कसरत से अरब मदीना मुनवरा में पड़ते हैं तो ये पुराने ज़माने से उनका तरीका चला आ रहा था तो उन हरमत वाले महीनों को कायम रखा गया ताकि एक हद तक अमन व अमान क़ायम हो जाता है और वो इनके कल्चर में भी दाखिल है तो उसको बाकी रखा गया तो अब यहाँ जो रमज़ान का महीना है तो वो उस हिसाब से नहीं है ये फजीलतों और बरकतों जो अल्लाह तने बंदों को अपनी नमतों से सरफराज फरमाता है और बंदों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है अमल की दुनिया में तो ये उस हवाले से बरक़तों वाला महीना है अच्छा अब जैसे ऐत करीमा का जुमला है लहल वो खैर यानी एक रात जो है अल्फजार महीनों से मिनल्फिशार है बेहतर है उनसे तो ये कुरान हकीम में मौजूद है तो इस तरीके से कुरान हकीम जो है वो इनको बढ़ा रहा है कि लोगों रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ आगे बढ़ो यानी उसके आकाम की पैरवी करो और जिन चीज़ों से उसने रोका है उससे रोके रहो और सदका व खैरत यानी इनफाक इनफाक़ी सबी कसरत से लोगों में करो तो ये इस हवाले से है उस हवाले से नहीं है दोनों के मौजूद जो हैं वो अलग हैं तो रमज़ान जो है वो इस लिहाज से बरकतों वाला महीना है कि जब आदमी ये चांद देख नबी असलाम ने फरमाया है कि सोम वो ले लो या ती वे रहो या ती कि आसान तरीका है कि चांद नजर आ जाए तो रोजा रख लो और जब चांद नजर आ जाए तो फिर इफ्तार कर लो या नीशा का चांद नज़र आ जाए तो इफ्तार कर लो तो ये जो दरमियान का अरसा है एक महीना पूरा होता है और महीना उनतीस दिन का होता है या तीस दिन का होता है तो कोई आदमी ये कहे कि इकतीस दिन का महीना होता है तो ऐसा नहीं है मन शाह मिन को शाह रफल यसुम कि एक आदमी ने रमजान ईबे तीस रोजे पूरे कर लिए तो अब उसके ऊपर इकतीसवां रोजा जो है ना हालात की वजह से कि एक जगह से वो दूसरी जगह मुंतकिल हुआ है तो आप इकतीसवा रोजा उसके ऊपर फर्ज करार नहीं दे सकते कि वो आपका आखिरी रोजा होगा तीसवा होगा उसका इकतीसवां होगा उसके ऊपर वो फर्ज नहीं होगा लाजिम नहीं होगा क्योंकि शहर जो है वो तीस दिन का होगा या उनतीस दिन का होगा तो उसके तीस दिन पूरे हो चुके हैं तो ये जो महीना है तो ये खैर बरकत वाला है अल्लाह जैसे बहुत सारी अतायें वैसे फरमाता रहता है तो इस महीने में ख़ास अल्लाह अता फरमाता है कि एक तो सवाब और उसके दर्जात और उसके मरातब और फिर वो बंदा जो है हर वक्त तिलावत में लगा रहे इबादत में लगा रहे और अपने वक्त को मुंसमित करने का और एक उसको काम में लाने का उसको तरीका आ जाए वो तरीका सीख जाए और फिर वो सीखने के बाद इस पर बाकी रहे अब मसला ये होता है कि रमजान में आदमी ये सारे काम कर लेता है जो ही रमजान का चांद होता है ईद का चांद नजर आता है उसी दिनिशाह की नमाज में थोड़े से आदमी रह जाते हैं वही रह जाते हैं कि जो पहले होते हैं तो ये जो रवैया है ये मुसलमानों को बदलना चाहिए इस पे गौर करना चाहिए कि ये सारे काम रमज़ान ही में लाजिम नहीं है बल्कि पूरा शहर जो है ना ये लाजिम है अच्छा। रमजान में ये है कि बरकतें और अताएं जो बिल्कुल यानी रमज़ान करीम तो एक सांचा है जिसमें आपने खुद को ढालना है तैयार करना है ना कि रमज़ान के चांद के बदल जाने से आप बदल जाए ये तो पूरा साल आपकी प्रैक्टिस और आपके स्टेमना को डेवलप करने के लिए आया है हम शहरी के मामूलात पे बात करना चाहते हैं मुफ्ती फजल सुबह साहब से ये सवाल पूछूं कि हमारी जिंदगी में तो शहरी बाक़त मिस हो जाती है ये बाक़त उसका अहतमाम बड़े अच्छे शायन शान तरीक़े से होता है हज़ूर वाला आलम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की ज़िंदगी के मामलत शहरी को लेके क्या थे ज़्यादा खाते थे लाजिम और वाजिब करार दिया या इसके अलावा बसमल रहमान रम़ानमबारक में शहरी और इफ़ार ये दोनों वक्त बरकत के हैं और कबूलीत दुआ के हैं शहरी की फजील रसूल सल वसलम ने यूँ इर्शाद फरमाई तसरू कि तुम सहरी करो और ये बाब तफ़ाउल से है और बा तफ़ाउल में ख़ासियत बतकल्फ़ है कि गोया के अहतमाम करो और इसको किसी तरह जो है वो बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करके सहरी करो इसलिए कि सहरी के खाने में बरकत है अच्छा वैसे भी जो शहर का वक्त होता है तो हदीस पाक में आया कि अल्लाबारिकली उम्मीफी बकूरिया यानी सुबह का जो जल्दी का वक्त होता है उसमें वैसे भी बरकत रखी गई है और इन नन्या अशद मकीिला वो भी सहरी का वक्त है और ये जो इबादत के अंदर तहजद के जो फ़जाइल ज़्यादा आए हैं वो भी रात के आखिरी पहर में आए हैं इसी तरह रसूल सल्लाम एक दफ़ा सहरी का खाना तनावल फरमा रहे थे कि एक शख्स आए आपने फरमाया कि आओ बरकत वाला खाना खा लो और एक मौके पर आपने यूँ फरमाया कि एक दो खजूरें खा लो सहरी करो अगरचे कोई भी चीज मयसर हो पानी का एक घूंट ही क्यों ना पी लो अच्छा। यानी एक मौके पर तो आपने ये फरमाया कि अहले किताब और हमारे रोजे में फर्क ये है कि हम सहरी का एहतमाम करते हैं और वो एहतमाम नहीं करते, करते। इसीलिए आजकल जो रूटीन लोगों ने सेट की है कि वो रात को देर से खाना खा लेते हैं और उसके बाद जागते रहते हैं और सो जाते हैं और वो सहरी नहीं करते तो इसलिए ये गोया के उन फजाइल का गोया इनके सामने वो ूर नहीं हुआ इसीलिए उनको चाहिए कि वो सहरी जो बिल्कुल आखिर वक्त में है वो कहाँ ने लिखा है कि अगर रात के छर किए जाए छः हिस्से किए जाए तो जो आखिरी हिस्सा होगा अगर बारह घंटे की रात है तो आखिरी जो दो घंटे होंगे उसमें एक मौके पर रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया के मुरसलीन तीन चीज़ें अम्बिया की सुन्नतों में से हैं उसमें तख़िर ताजीलफ़तार और फरमाया फरमाएलमीन या शिमाल के एक तो शहरी में थोड़ी तख़िर करना इफ्तार में थोड़ी सी जल्दी करना अच्छा। और दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना नमाज में नाफ़ के नीचे तो आपने फरमाया ये तीन चीज़ें अम्बिया की सुनतों में से हैं इसीलिए अच्छा� बाज लोग वो अगर अपनी गफलत की वजह से सुस्ती की वजह से इस बरकत वाले खाने से महरूम हो जाते हैं तो एक तो यहूद नसारा के साथ मुशाबात हो गई दूसरा बरकत वाला खाना छोड़ दिया तीसरा ये कि अगर बहुत जल्दी वो रात को खाना बंद कर देगा तो उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा दिन में इबादत के अंदर वो चुस्ती और वह निषाद और वह तोानाई नहीं रहेगी तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से महरूमी हो सकती है इसलिए शहरी के इस बरकत वाले खाने का एहतमाम किया एहतिमाम जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करना उस पर सो शहीदों का जो सवाब मिल रहा है Allah तो हम इस सुन्नत को भी जिंदा करें Allah सब तीन चीजें जिसमें ये वाला रवैया होना चाहिए यानी शहरी में तखिर करें अफ्तार में जल्दी करें और नाफ से नीचे दोनों हाथों को बांधे इस पर मैं आपका भी राय लेना चाहता हूँ ख्याल इस पर लाजमी है कि उनका इजहार फरमाए एक मुख्तर तवफा ले रहा हूँ इस पर लौट कर आऊँगा इरफान रमजान की ये सहर नशरियात हैं आपका इंतजार इरफान रमज़ान में खुश आमदीद मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी तहद दिल से आपको वेलकम भी कहता हूँ और फिर रमज़ानल करीम के हवाले से तैयार आमादा इस नशश का ख़ासा यही है कि हम कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें जिनकी आज हमें ज़रूरत है बहसित कौम बहिसत उम्मत उसका जिक्र कीजिएगा हमने कोशिश की है कि आपको पहले ही दिन तैयार किया जाए आपशरा रामत से गुजरें या मकफ़रत से या निजात से तीनों में आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हेन यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल अगर आपने मंसूबा नहीं बनाया ना कामयाब होने का तो आपने मंसूबा बनाया है नाकाम होने का अगर आपने शाबान में, शाबान मौज़म में तैयारी नहीं की है यह कम रमज़ान है आज ही बैठ जाएँ ख़ुद को आमादा करें जहनी तौर से तैयार हो जाए सहरी शायद इसी बात का एक इंटीमेशन है आपके लिए और जब आप सहरी कर रहे होते हैं तैयार कर रहे होते हैं खास तौर से आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं एक रोज़े के लिए जिसमें मुशक्कत भी होगी दिक्कत भी होगी मगर साथ में अजर सवाब भी होगा मैंमा साहब की तरफ आना चाहता हूँ इससे पहले गुफ्तु हुई तीन चीज़ों के हवाले से आपने फरमाया कि जिसमें एक में आपने ताखीर करनी जिसको शहरी कहते हैं एक में आपने इफ्तार में थोड़ी सी जल्दी करनी और फिर हाथ दोनों हाथों को नाफ़ के नीचे बांधना है आमतौर से शहरी के मामूल में और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने नज़रअंदाज नहीं होने देना और क्या आप भी सहरी में जल्दी फरमाते हैं या इसमें तखिर फरमाते हैं जो कि सुनत तरीका है देखिए मुहिम यह है कि सहर फोज़ा रब्बानी की बारिश का वक्त है उस वक्त दिल की फ्रिक्वेंसी को उस तरफ रखा जाए ताकि वो कैच करे खुदा की तरफ़ से आने वाले उन फिज़ात को और इसके लिए आपने जो दिन भर रोज़ा रखा है उसके नतीजे में आपके वजूद के अंदर ये काबिलियत पैदा हो चुकी होती है कि आपका दिल शफाफ हो और फ़ात रब्बानी को पाए अलबत्त महमदी में मस्तहाबात में से है अच्छा तमाम मुसलमानों के पास बिला अख्तिलाफ मस्तबात में से है चूँकि सुनत रसूल रसर सल्ल वम ख़ुद सहर फरमाते थे सदगी के साथ सहर फरमाते थे लेकिन मकवी चीज़ें शहर लेनी चाहिए ताकि दिन को रोजे के लिए आप में कमी और कमज़ोरी पैदा न हो लेकिन तमाम वक्त सवर सहार के अहतमाम में ना गुजारें एक हद हाँ तक आप शहर शहरी कर लें उसके बाद आप अपने आप को तहजद के लिए तिलावत कुरान के लिए मुनाजात के लिए खुदा के साथ राबिता कायम करने के लिए आप आमादा हो जाइए क्योंकि यही वक्त फजीलत है ख़ुदा की तरफ़ से फिज़ात को पाने का वक्त ये है और अगर हम आ, सहरी में ही अपना सारा वक्त ज़ाया कर दें तो वो जो बड़ा फ़ायदा जो हमें हासिल होने वाला था उससे हम महरूम रहे एक ममिन और एक मक़ूल और एक अब्द इंसान इस फायदे से अपने आप को महरूम नहीं रखता है नहीं अम्मा वो आ, सहरी तखीर से करना और इफ्तार जल्दी करना और हाथों को नाप से नीचे बाँधना हज़रत रसोल्ला वसम की तरफ से सुन्नत है ये कम अज़ कम मुझे अपनी किताबों में कहीं नज़र नहीं आता है कहीं पर नहीं है और अगर है भी तो इसको वाक सिरे से इस पर तहकीक़ की ज़रूरत है इसलिए क्या अगर आप हाथों को बांधने की बात करें तो अक्सर फोकहा फोकहा यानी इमाम अहमद आहम, क्या कहते हैं अहमद इब्न हम्बल इमाम मालिक और इमाम शाफी और उसी तरह से खुद इमाम अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा मैं इमाम जाफ़र सादक की बात नहीं कर रहा हूँ इन सब के पास फ़र्ज नहीं है अच्छा हाँ बेहतर है हाथ बांधना और बास तो सिरे से आ, इमाम मालिक जो है वो हाथ खोलने के कायल थे अगर ये हदीस साबित शुदा होती तो इमाम मालिक क्यों हाथ खोलने के कायल हैं ये एक बात है दूसरी बात यह है कि अगर ये हदीस सही है तो कुछ नाप के नीचे बांधते हैं कुछ जरा ऊपर बांधते हैं कुछ बिल्कुल ही सीने पर बांधते हैं वो कहाँ चले गए क्यों उन्होंने इस हदीस पर अमल नहीं किया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस हदीस पर नए सिरे से तहकीक की ज़रूरत है कि ये वाक पैगम्बर ने फरमाया भी है ये मुस्ंद तरीके से आई है और इसकी सिलसिला सनत में कोई मुश्किल तो नहीं है ताकि ये काबिल इस्तेमाल हुक्म हो इस बिना पर यह वाज नहीं है अम्मा जल्दी इफ्तार करना मामूला दुनिया तशयों में ऐसा लगता है कि ये देर से इफ़ार करते हैं नहीं देर से नहीं करते हैं ये अपने अव्ल वक्त पर करते हैं अच्छा मुंतहा बहस ये है कि इफ्तार कब किया जाए दिन के अख्ताम पर दिन का अख्तितमाम कब होता है ये फुकाहा के दरमियान फिर महल अख्तिलाफ है बाद लोग कहते हैं कि सूरज सूरज के डूबने पर दिन का अख्ताम होता है बाद कहते हैं बाद फकाहा कहते हैं कि नहीं सूरज के डूबने के साथ सूरज की शुआओं के हटने पर दिन का अख्ताम होता है तो वो दिन का करने में फ़ुक के दरमियान मुश्किल पेश आई है उसमें साइंस का सहारा नहीं ले सकते सहारा साइंस का क्या आप मुशाहदाद का भी सहारा ले सकते हैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ इफ्तार कर रहे होते हैं और जहाज़ ऊपर से गुजर रहा हो तो उसके ऊपर शुआं पड़ रही होती हैं तो अगर कोई इंसान जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहा हो तो वो किस वक्त इफ़ार करे वह यानी धूप नज़र आ रही है और ये इफार करे और जबकि शहर के यानी क्या कहते हैं शहर में आमतौर पर उस वक्त इफार हो रहा होता है तो ये जो जहाज़ में ऊपर जा रहे हैं ये कहाँ जाएँ उसी तरह दुबई में जो आ, वो जो आ, उनका टावर है क्या किस टा, बुलंद टावर बुरजुल खलीफा बुरजुल खलीफा के जो आखिरी तीन आ, वो फ्लोर्स हैं उनमें नीचे दुबई में इफ्तार का वक्त हो रहा होता है वहाँ पर धूप पड़ रही होती है तो इसलिए हमारे फ्कहात तो कहते हैं कि जब तक वो शुआँ सूरज की शुआँ बरतरफ ना हो दिन मौजूद है और उसके बरतरफ होने के बाद रात शुरू होती उस वक्त हम इफ्तार करते हैं नस्बत हमारी तरफ, तरफ नो वाले या जो प्लिक 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 है। वो कब करें तो उनको चूंके सामने सूरज नजर आ रहा है तो वो ना करें उनका सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ है जब वो गुरुप के हकों में आ जाए तो वो उस उस वक्त कर लें नीचे वालों के गुरुप हो गया वो कर लें शायद इसे अब है कि मसला जो है ना आदीज़ शीफ का जो आपने फरमाया है तो अदीस मुख्तलिफ होती हैं। कोई किसी अदीज़ पर अमल करता है दूसरा दूसरे, दूसरे अदीज़ पर से अमल, से अमल करता से है, से है। अब ये रफाई अदैन है या ये जितने मसायल हैं इन सब के बारे में अधिस मौजूद है मौझूद जो और जो तख्तसरा बनते हैं उनके, है, उनके, है, उनके पास भी अधीस है और जो जो है सीने पर बनते हैं उनके ऊपर उनके पास है लेकिन उनके पास वो अधीस तरजीह है उनकी

और ये बेहकी में भी है और दारु में भी मैं। मुझे अच्छा आयशा रजी ताला से जो ये रिवायत है तो बाज हजरात ने कहा कि ये मौकूफ है लेकिन इसकी इसनाद सही है तो चूंकि ये तो, तो ये ने ने बात मैंने हवाले दे दिए किताबों के और वो इत्तेफाक से एक किताब तुम्हारे सामने मौजूद भी है लेकिन कबूल करते हैं

मैंने ये कहा कि जिसने जो समझा उस पर अमल किया और ये दुरुस्त है के माने ही यही है आपके बयान जिसने जो समझा उस पर अमल कर दिया अम्मा वो हदीस नई की नहीं तो 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 है मौकूफ है उसकी सनत में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनत में तहकीक करनी चाहिए अगर इसके मुकाबले में कोई और हदीस ना हो ये इश्ते बास कर रहा हूँ कि अगर कोई और हदीस ना हो तो ये काबिल अज्तम है अच्छा लेकिन अगर इसके मुकाबले में कुछ और हदीसें हों तो फिर उन्हें छोड़ के इस मौकूफ़ हदीस को लेने की कोई वजह नहीं है ना, इस, से और इस्तेमाल से ठीक है ठीक है यकीन साहब एक मौजूद भी है और जाहिर मैं चाहता हूँ कि उसी का तसलसल बरकरार है आपने जो गुफ्तु के आगाज़ में कहा था वही मेरा सवाल आ गया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि रमजानल करकरीम में क्यों हमारा गुस्सा बढ़ जाता है अदम बर्दाश्त बिल्कुल हाथ से निकल जाता है क्या वजह है देखिये बात यह है कि एक रोज़ा होता है रोजे में आदमी को उभर के प्यास लगी हुई होती है तो वो जो बाहर से प्रेशर पड़ता है वो उसको कबूल नहीं कर सकता और अगर कबूल करता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके अंदर बर्दाश्त कम हो जाती है अब जैसे बूढ़े आदमी होता है एक जवान आदमी है जैसे ही है, एक बूढ़ा आदमी है तो ये इनमें तहमुल बुर ज्यादा हो सकती है बूढ़े आदमी के ब्लड प्रेशर है उसका ये मसला है उसका ये मसला है, मसल है तो उसकी वजह से उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है तो अगर बूढ़ा आदमी रमजान में कोई गुस्सा करता है उसको जवाब नहीं देना चाहिए उसको बड़े संजीदा तरीके से बर्दाश्त करना चाहिए बहुत अच्छे बहुत क्यूँकि बाजार में जाएगा बूढ़ा आदमी तो वो दुकानदार से जब बहुत करेगा तो वो रेट ज्यादा बताएगा महंगाई है तो वो बाबे को उधर घुसा आ जाएगा बाबा उस दुकानदार को जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर देगा तो वो हदमे बर्दाश्त है तो वो अपनी कुवत के लिहाज से कमजोर है चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इसलिए वो ये बहुत बहुत लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी फितरत में ये चीज़ें होती हैं कि अपनी बात मनवाना और दूसरे को धक्का दे के पे कर देना और फिर इस पे खुशी मनाना तो ये गलत बात ये है, ये ये नहीं बात। होना चाहिए और दूसरे की बात अच्छी है तो उसको कबूल करना चाहिए जैसे अभी अजीज के हवाले से भी ये बात कर रहे थे साहब जो है ना तो दूसरे की अच्छी बात जो है उसको कबूल करना चाहिए और फिर बंदा वही अच्छा होता है कि खैर से मैं अच्छा आदमी वो है कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, पहुंचे जो अच्छाई में और बुराई की रुकावट में तो वो आदमी अच्छा होता है तो इसलिए जो नौजवान लोग हैं उनको खसूसियत से इसका अहतमाम करना चाहिए और जो बूढ़े लोग थोड़ा तजावज कर देते हैं तो उससे गुरेज करना बहुत अच्छी बात की एक मरूफ बिजनस मैन मुझसे जिक्र फरमा रहे थे मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुआएं कबूल हो जाती ने आपको बड़ा नवाजा है तो उन्होंने एक बड़ी रास की बात बताई फरमाने लगे कि मुझे जब शदीद गुस्सा आता है ना और जिस शख्स पे आता है मैं उससे दरगुजर करके अल्लाह से उस वक्त दुआ मांगता हूँ और कहता हूँ मैंने गुस्सा टाल दिया तेरी अजमत और जलालत को देखते हुए मेरी दुआ उस वक्त कबूल हो जाती है खुदा से बुढ़ आदमी है उसको भूख लगी हुई है उसके खाने में घर में अगर ताकी होगी उसको गुस्सा आएगा जवान आदमी जो है ना वो बर्दाश्त कर लेगा उस तक खिर को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कुवत नहीं है बर्दाश्त यह होता है और मेरे ख्याल रमजान इसी बात की प्रैक्टिस है आप अगर शाबान में रोजे रखना शुरू करते हैं तो शायद वो ना हो कि नया नया रमज़ान है पहला पहला रोजा है मुश्किल ना हो आपके लिए एक मुख्तर वफा लेने जा रहे हैं और लौट कर आएंगे अच्छा है खुश मिजाजी और मुस्कुराहट और तबस्म चेहरे पर अपनाए रखें इससे गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाता है और अगर आप कुरान से फायदा लेना चाहते हैं तो बल काजैस का विरद करते रहें कई बार करते रहें खुदा आप पे रहरमाई मुख्तर वफ्फा लौट कर आएंगे इरफान रमजान में आपके

जहाँ पे हम ये अहतमाम कर रहे हैं कि आपका रोज़ा और आपका रमज़ान शरीफ सलामत रहे वहाँ पे हम इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि एक बार भी ऐसा ना हो कि हजूर वाला जाने दोम का जिक्र खैर हो आपका इसम लिया जाए सल वसल्लम ना कहा जाए हज़रत जबरइल ने दुआ फरमाई यानी कि बद दुआ और हजूर वाला ने आमीन कहा उस शख्स के लिए कि जो आपका नाम ले जिस महफिल में आपका नाम लिया जाए और उस सलाम ना भेजा जाए मैं लामा साहब की तरफ़ आना चाहता हूँ एक मख्तसर सवाल है इस पूरी बजम में एक चीज़ है सारी तमाम चीज़ें हैं हम अहतमाम करेंगे जरा सा खाने में ऊपर नीचे हो जाए खजूर हो दूध हो हर शाये हो मगर क्या कोई ऐसी दुआ है खास तौर से कोई ऐसा अमल है जो सारी में अंजाम देना है जो कि सुन्नत मसनून भी है मुमकिन है अदिया, कुतुब अदिया की तरफ अगर आप मुराजा करें तो मुख्तलिफ जाएं हमारे यहाँ भी शेख उलिन ने वसाइल शिया में इफ्तार के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ नक़ल की है और आम तौर पर यह पढ़ी जाती है अच्छा अलह कसम तो विका वालै का तवक्ल तो वाल रिजकी का अफर तो अच्छा दुआ मुख्तसर है लेकिन इल्तफात और तवज् इसके मजामिन की तरफ अगर हो जी। तो ये मुख्तसर भी अपने अंदर एक दुनिया रखती है ठीक है अल्लाक़न्दगारा ये लक़ा सुन से पहले आया है जानते हैं कि अगर फेल से पहले आ जाए तो हसर कमाना देता है जी। और मेरा ये रोज़ा सिर्फ तुम्हारे लिए और वालै का तो और मेरा पूरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर अल्लाह पूरा पूरा भरोसा। पूरा भरोसा आपकी तुम्हारे ऊपर है आपकी अताकर्दर रिज से मैं इफ्तार कर रहा हूँ ये अगर इसकी तरफ इंसान मुतफित रहे हाँ। तो बहुत सारी चीजें उससे हट जाएंगी तो की में है गर्देजी तीद करेंगे कि जो लोगों की जबान पर है वो अल्ला वबिका का सुम तू विका आमन तू वाली काक्कल तो वाल लेकिन हदीस की मुस्त किताबों में दुआ ऐसे नहीं अच्छा हदीस की तमाम बुखारी और मुस्लिम की किताबों में तिरमिजी और मिशकात में है अल्ला का ये वबिका आमन तू वाली का तवक्त हदीस की इन बड़ी किताबों में नहीं है अच्छा अच्छा ये दुआ तो इफतारी से पहले हैं लेकिन इफतारी के बाद जब खजूर या पानी या शरबत पी ले फिर जो दुआ मनकूल हदीस से जहाबत जमा या जमा

और जो आज़ान के बाद दुआ है उसमें भी कुछ कल में जी जी वो है। है। मसला ये है कि एक दुआ है नबीम ने इर्शाद फरमाई है हम अपने हालात के लिहाज से क्या उसमें कोई जुमला बढ़ा नहीं सकते क्यों नहीं बढ़ा सकते यानी एक तो ये कम करना है एक ये है कि हम अपने हालात के लिहाज से क्या उसमें कोई जुमला बढ़ा नहीं सकते वजात के साथ हाँ, के ये बंदा है। है है। ना, 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 पढ़ रहा तो होता हो है तो नकल की नियत से तो नहीं कर रहा होता लेकिन अच्छा उसके आखिर में है ना, आदीज आदीज जब मिला गर्देजी साहब ने कहा यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप बीच में एडिशन करेंगे ना तो अगले को तो यही लगेगा कि ये पूरे अल्फाज

तो मेरा ख्याल ये है कि अगर अपनी तरफ से कोई आदमी इजाफा करता है तो कोई ऐसी उसमें मना होने की बात नहीं है और फिर ये तीन चीज़ें जो अभी ज़हर हुई हैं इन में ये मुर्वज है एक का तो आपने भी इकरार किया है कि ये मशहूर इस तरीके से है मशहूर इस हाँ तो वो मशहूर जो है वो लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें इजाफ़ा किया है तो जब ये इजाफ़ा करने वाले आम आदमी तो नहीं हो सकते खेत में हल चलाने वाले का इजाफा तो मकबूल नहीं है रेड़ी नहीं। वाले का इजाफा तो मकबूल नहीं, नहीं, नहीं है तो है। इसका मतलब यह है ये इजाफे जो हुए हैं और फिर इनको कबूलियत आम हासिल हुई है तो ये हमारे उलमाए इक्राम जो हमारे लिए दलील राह हैं उन्होंने ये अमल किया है तो हमने इसको जायज़ समझा है तो उस हदीस शरीफ में हमने अपने दिल की बातें भी उसमें डाल दी इब्न जोजी रही डालना चाहिए इबन जोजी रमत ने अलमौजुआत लिखी है और मौजू रिवायात को जमा किया है जी। वो रिवायात भी आम लोगों ने नहीं हदीस गीजा ये आम आदमी का काम नहीं वो भी, तो ही नहीं और मशायख है। वो भी आ, अपने आप को छोटी मैं इसी शुरू में कह चुका था जी जी नकल हदीस में किसी को हक नहीं है एक लफ्ज बढ़ाए या, या कम, हाँ। कम करे और दुआ जब हम जिक्र करते हैं जो सीन जो, जो लिखा है अल मौदूआत वो नकल हदीस के बाब में है, 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 वो ठीक किया है।, है ये भी हदीस नहीं, नहीं नकल हदीस नहीं कर रहे हम दुआ पढ़ रहे हैं देखिए सुने मेरी बात सुने दोनों में मेरी बात ये कह रहे हैं ना आप इनकी सुन ले जब हम ये कहते हैं ना मसनून दुआ अब ये मसनून का लफ्स क्या इंडिकेट करता है कि कि ये सुन्नत है।, है तो जब हमने इसको मसनून भी कह दिया, कर... दिया।, मतलब अच्छा दिया तो ये जो इस तरह की चीज है ना जैसे गर्देजी साहब ने कहा इससे हम बिल्कुल इतफाक करते आप दुआ में इजाफा करें ठीक है अब ये देखिए शहरी में लोग कहते नहीं ये कोई सबूत नहीं है हाँ जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना भाई मैं आज का रोजा रख रहा हूं और गदन का इतलाक जो है ना चूंकि वो कल, कल पर के हो जाता होता है, है। तो इसलिए उस एतबार से इसको देखे आप सकते लेकिन ये तो कोई मसला नहीं नहीं, नहीं दिल में काफी देखें आप नमाज में फारसी की करात के बीकाल है इसलिए इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश है। फारसी <laughs> के किराद के भी कायल है <laughs> लेकिन ये हल चलाने वाली बात का जवाब नहीं <laughs> ये फारसी वाली बात क्या है बयान <laughs> ये तो खुद ही बताएंगे मामो <laughs> <रह्मतुला> <laughs> <laughs> अच्छा साहब ये सवाल भी बनता है मसनून दुआ का मरतबा उसका फैज़ उसकी बरकतें ज्यादा होती हैं हम अगर इजाफा कर देंगे निशान नबूत से तो वो दुआ अदा नहीं हुई है तो वैसे ये बराबरी है देखे ना ये दुआ जो आप कर रहे हैं एक तो नबी नबीम की नकल मुबारक कर रहे हैं जैसा आपने किया है उसके हिसाब से लेकिन आप जब दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह से आपका एक जज्बाती रहा होता है क्योंकि जब एक आदमी किसी परेशानी में गिरा हुआ होता है ना तो उस वक्त उसका अल्लाह से बहुत करीबी राता होता है जैसे ये कहते हैं ना कि चोर को कुतुब बना दिया तो मैं कहता हूं चोर को कुत्तो बनाना बड़ा आसान काम है क्या कि चोर जब पकड़ा गया ओ, 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 ओ दिल की अल्लाह से हो गया अल्लाह ओ, 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 ही तो अब वो जो वली होगा तो वो उसके ऊपर तवज्जो जब करेगा बोलेगा ये तो पहुंचा हुआ है उधर वो फौरन उसका रुख मोड़ देगा ओ, ओ, ओ। लेकिन वो आदमी जो पकड़ा हुआ नहीं है और दन -दनाता फिरता है और ताकत और कुवत के बल -बोते पे हाँ। उसको बली बनाना वालाम होते हैं तो वो उस वक्त अल्लाह ताला से डायरेक्ट होता है और उसके दिल की बात आप ना पूछे वो समझाए ये सब कोई मेरा काम नहीं कर सकता जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ मुझे अल्लाह रबुल्जत ही निकाल और इसकी मिसालें भी

अगर कोई किताब लिख रहा है या कोई किताबचा या कोई पम्फलेट और उसमें उसकी कोशिश ये है कि सुन्नत के जरिए से साबित शुदा दुआएं वो नकल कर रहा है साफ है उसमें लफ्ज नहीं बढ़ा सकता है कम नहीं कर सकता या, है। या, या, एक दफ़ा है किताब लिखते वक्त आप मसनून दुआओं की एक फेरिस दे रहे हैं वहां आप इजाफा नहीं कर सकते एक दफ़ा आप हैं और आपका खुदा का वक्त है खड़े हुए हैं आपकी जबान पर ये अल्फाज आ रहे हैं और उसमें कि ये भी आ गया क्या आप, हरज है कोई हर्ज नहीं, तो नहीं आप है नहीं परवरदि मुझे ये अता कर ये अता कर ये ए अता कर आप है और आपका खुदा आप तो हरज क्या हरज, हरज, हरज है उसमें कोई हरज नहीं वो कब तो एक देहाती ने कहा था कि मैं आप कर अब आप मेरे बंदे उसमें तो वहाँ वो भी छूट हदीस में जो आता है ना कि मेरी उम्मत की माफी होगी इल्ल इजाहिरीन लेकिन जो जहरन एलानियतन लाउडली के साथ गुनाह करेंगे, निदामत नहीं होगी तो उनकी माफी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में ये बहुत मेंलमी गुफ्तु अच्छा, हो गई है जो आपकी हाजत है अब देखें अरफात में बैठे होते हैं तो क्या क्या बोलते हैं आप जो है

आगा। आगा। नी, कमा कमा मैं लौट कर आऊंगा तर्जमा भी करूंगा दुआ के हवाले से गुफ्तु हो गई इरफान रमजान में आपके। अरफ़ान रमज़ान में खुश आमदी सहर नशरियात का ये खासा है इस जी टी वी की खसूस नशरियात हैं इनका नाम अरफान रमज़ान हमेशा से है ये अलहमदिल्ला रबीन दो हज़ार तेईस की नशरियात मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैसरबानी तशीफ फर्मा है यहाँ पर रोजे की सेहत फिर उसके इस्तबाल के हवाले से साहरी के हवाले से गफ्तु हुई यहाँ तक कि दुआ और मुनाजात के ऊपर भी गुफ्तु हुई है मैं मुफ्ती फजल सुबान साहब से ये जरूर पूछना चाहता हूँ माहिर रमज़ान में हालत रोज़ा में बाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान मोबाइल पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं गैर इरादी गैर दानिस्त फाहाशी से उनका होता है। ऐसी को देखने, नजर करने कमेंट करने कमेंट से हमारे रोजी की सेहत कोई फर्क पड़ता है? देखिए जी पाक में आता है कि जिस तरह आदमी करता है और जना एक बहुत बुरा अमल है उस दौरान ईमान भी इंसान से जुदा हो जाता है और वो रहता है। तो इसी तरह फरमाया वो बदनजरी अच्छा। तो आदमी अपने रमजानक के बरक़ात और त्लियात को ज़ाया ना करें आजकल सबसे बड़ी बदनजरी और रूहानियत को डैमेज करने वाली चीज़ वो मोबाइल के अंदर ड्रामा फिल्म गाना मौसीकी या इस तरह के क्लिप्स होते हैं तो इसीलिए इससे इज्तनाब किया, किया जाए लेकिन उससे आपका जाहिरी रोज़ा नहीं टूटता यानी फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से उतर जाता है रोज़ा आपका कबूल हो जाता है हाँ अलबत् वो जो गुना था वैसे भी गुना था लेकिन रोजे की हालत में में रमजान उसकी शिद्दत बढ़ गई अच्छा जैसे यहाँ पर नेकी बढ़ जाती है नफिल फर्ज और फरज सत्तर फर्जों के बराबर तो इस तरह इसमें गुना होने से गुना का जो हजम और साइज है अच्छा। और सजा वो भी बढ़ जाती अच्छा। है तो आदमी अपने रोजे को बचाए और इन चीजों से जैसे मैंने पाक पेश की थी आपने फरमाया इसके भूखे प्यासे रहने की को कोई हाजत नहीं है वो खातिन खातून जो रोजा रखती है मगर पर्दा नहीं करती फिर वो लिबास भी कुछ इस तरह का पहनती है जो गालिबा फहाशी में शुमार होता है इससे रोजे की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा रोजा रखना एक अलग फर्ज है और ये फ़र्ज वो अदा कर रही हैं इसमें तो ठीक है वो लेकिन वो जो फाशी वाली बात है जैसे आप कह रहे हैं जी। तो वो किसी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती सही क्योंकि आदमी को औरत को अपने लिबास के ऊपर इख्तियार होता है कोई ऐसा यहाँ वो नहीं है कि जब उसके ऊपर कहीं जबर हो कि वो फाशी का लिबास पहने ये तौर पे औरतें खुद उनको शौक़ होता है अपने आप को नुमाया करने का और फिर जो बड़े लोगों की औरतें होती हैं उनको शौक़ होता है तो वो अपना शौक पूरा करती हैं तो ये एक गलत कार है और ये है। गलत चीज़ है ये इधर भी गलत है तो उधर को करेगा तो वो भी गलत हो गलत ही बेहतरीन गलत होगी गलत, तो 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 गलत है हाँ गलत है। हम उससे कहेंगे कि वो बादा रहने की पूरी पूरी कोशिश करे ठीक है और कोई ऐसा जबर नहीं है कि वो उसकी गर्दन काट देगा सही है। ज्यादा से ज्यादा कहीं वो नौकरी करती है तो वो नौकरी वाले उसको नौकरी से निकाल देंगे लेकिन रोजी तो वो आसमानों का मालिक देते हैं ना ये ये मालिक तो नहीं है रोजी की अभी जो इन्होंने दुआ पढ़ी है दुआ के लफ्ज पढ़े हैं तो वो तो रिस्क सारा उसी का और वही देता है और कोई तो नहीं बेशक दे जरिया कोई भी बनता है जो है ना तो जिस अल्लाह ने जरिया उसका ये बनाया तो वो जरिया बना देगा बस आदमी को हिम्मत करनी हिम्त चाहिए करनी चाहिए बुजदिल नहीं होना चाहिए। बहुत कोड़ी। बहुत खूब खूब एक आखिरी सवाल है साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ और ये भी खास सवाल है रमजान करीम में ऐसा देखा गया साहब रमजान का चांद देखा जिस तरह आपके बाकी अमाल बेहतर होते हैं दाढ़ी भी निकल आती है फिर आप शेव भी नहीं करवाते और पूरे तीस दिन रहती है दाढ़ी आप उस वक्त गुनाह समझते नहीं नहीं अभी नहीं फिर जैसी ईद आती है वाह खूबसूरत चेहरा और फिर उसका मतलब ये है कि बिल्कुल क्लीन शेव हो गई ऐसी सूरत हाल में ये सही अमल है बसम आपके सवाल की तरफ़ आऊँगा लेकिन अभी उससे पहले जो दुआ के हवाले से गुफ्तू हो रही थी मैंने हज़रत अबाबिल्सैन की दुआ का हवाला दिया था अरफात जी, में जी। तो उस वो तफसली और तोलानी दुआ है उसके उसका एक अखसर जुमला एक पेरा पैराया इस तरह है किलाही मादा वजक पाया क्या जिसने तुझे खो दिया खुदाया जिसने तुझे खोया हक उसे मिला ही क्या वी और जिसे तू मिला उसने मिला खोया है। ही क्या है, है, है। 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 क्या बात है यानी इतनी आजमतों की दुआ तो ये बहर हाल हमें इन इस तरह के दुआओं के साथ इरतबात में रहना चाहिए और उससे खुद इंसान इंसान शनासी के हवाले से भी खुदा शनासी के हवाले से भी बहुत कुछ मिल जाता है अम्मा जो आपने सवाल किया सवाल क्या किया था एक मरत रमज़ान शरीफ के आते ही दाढ़ियाँ बढ़ जाती हैं शेव नहीं होती है जिसको हम इबादत का एक अमल समझते हैं रमजान के जाने से मुनासि उसकी, उसकी एक देखें मैं अपने गुफ्तु के शुरू में भी कह चुका था एक जुमला मैं उसी को फिर आगे बढ़ाऊँगा कि उसकी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने रोज़े को माह रमज़ान की हद तक बजा लाने वाला एक अमल करार दिया है वाह इसको तरबियत गाह नहीं समझा है कि माह मुबारक रमज़ान दरक़त नफ्स की तरबियत के, के लिए एक तरबियत गाह है अगर इसको तरबियत गाह समझते तो यहाँ तरबियत पाने के बाद फिर उस तरबियत को तोड़ने की कोशिश ना करते ये वैसा ही है जैसे मगरबी दुनिया में क्रिश्चियनिटी के दुनिया में वो इबादत को चर्च के अंदर तक महदूद रखते हैं वहाँ तक जाके मसीह बनते हैं दिनी बनते हैं वहाँ से बाहर निकले दिन ख़त्म उसके बाद कोई जबकि इस्लाम में अबूदियत और बंदगी किसी जगह में मुन... महदूद नहीं है कि आप मस्जिद में जाएंगे तो बंदगी होगी बाहर निकल के आप खुद सराहाना चलेंगे ऐसा नहीं है बल्कि मह... मस्जिद आपको बंदगी के आदाब सिखाती है वा, वा, वा। जिस तरह से मस्जिद इंसान को बंदगी के आदाब सिखाती है और सीखने के बाद इंसान उसे नहीं छोड़ सकता है उसी तरह माह मुबारक रमज़ान भी बंदगी सिखाते बल्कि बंदा बना देता है महा मुबारक रमजान जब इंसान आब्द बन गया फिर उसके बाद खुदा के खिलाफ खुदा की बगावत करने वाला कोई अमल अंजाम नहीं देख ठीक है बेहतर यही जवाब है मुखसर तरीन है और इसमें आ, यकीन बहुत बेहतरीन इजहार भी है मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ बास वजी साहब आपका मुफ्ती शाह हुसैन गर्जी साहब आपका मुफ्ती फ़जल सुबान साहब आपका इंतहाई शुक्रिया और हमारे प्यारे दोस्त वसीम अबसी साहब यहाँ तशीफ़ फरमा रहे क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश फरमाया आपका बहुत शुक्रिया जान मन मैं मोहम्मद उवैसबानी इस बात का अरादा करते हुए और वादा करते हुए कि अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर से लौट कर आएंगे आज की ये अफ्तार नशरियात भी आपके लिए खास तौर से लाइव नशरियात जिसमें आप शरीफ भी होंगे कॉल भी करेंगे, कराम से सवाल भी पूछ सकेंगे, और अपनी जगह आप जी टी वी के साथ करेंगे इरफान रमजान के साथ करेंगे क्योंकि अल्लाह रबुलत ने इंसान और जन्नत दोनों मखलूक को पैदा फरमाया इसलिए कि वो इबादत करें यानी कि मार्फत हासिल करें रब ताला की लिहाजा इरफान रमज़ान को इस माह खास तौर से मार्फत का एक सफ़र समझें रोज़ रोज़ अपने इल में इजाफ़ा करें और फिर जब आप ये महसूस करें कि आपके इलमे में कुछ आ गया है तो उसको अमल में उतार दें ये दुआ भी है तकाजा भी है ख्वाहिश भी है तलब भी है और मेरी हाजत भी है मेरी अपनी ज़ात के लिए भी और आप तमाम लोगों के लिए भी ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा आज के दिन तमाम व चीज़ें जो आपने सोची हैं उनको करने के लिए और जिन चीज़ों से आपको बचना है अल्लाह रबुजत का हुक्म है उससे खुद को और सबको बचाने के लिए अपना ख्याल रखेंगे आप अपने से बढ़कर के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का अल्लाह के फरमान का अल्लाह